नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। दिखाते हैं आपको खबरें धुआंधार। जौनपुर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ में शादी में जयमाला के दौरान पिस्टल में फायरिंग की तस्वीरें सामने आई और बीती रात का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। प्रयागराज में दुल्हन के लिबास में युवती को रील बनाना पड़ा महंगा, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 15,500 का चालान। सिविल लाइन्स इलाके में कार की बोनट पर बनाई थी रील, स्कूटी पर बिना हेलमेट पहने पहले भी रील बनाते पकड़ी गई थी ये युवती। अयोध्या में कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करने पर कटा चालान, ट्रैफिक पुलिस ने 18,000 रुपए का किया चालान। पूरा कलंदर में कार सवार युवती ने बनाई थी वीडियो। हल्द्वानी में नशे की हालत में युवक ने जिंदा सांप को चबाया, लालकुआ क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। अतिक्रमण तोड़ने के दौरान निकला था सांप। कानपुर में पलक झपकते शातिर बाइक लेकर फरार, बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, नौ बस्ता थाना क्षेत्र की घटना। निकाय चुनाव में हार के बाद यूपी कांग्रेस की हुई समीक्षा बैठक, निकाय चुनाव के नतीजों पर प्रांतीय अध्यक्ष के साथ नेताओं ने की चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कमजोर जगहों पर जरूरत के मुताबिक करेंगे बदलाव। 29 मई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बैठक, प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ करेंगे मंथन। निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। दिल्ली के यूपी भवन में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, बिना नौकरी व्यवस्था अधिकारी की पत्नी पर सैलरी लेने का आरोप, धांधली को लेकर व्यवस्था अधिकारी की सीएम योगी से की गई शिकायत। अवधेश राय हत्याकांड के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट 5 जून को सुनाएगा फैसला। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी सहित 6 लोगों के खिलाफ दर्ज था केस। आईएएस रामविलास यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें, एलडीए ने शासन को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए कहा। एलडीए में सचिव रहने के दौरान नियम के खिलाफ भूखंड आवंटन का आरोप। यूपी में विदेशी फंडिंग वाले 4,000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी, पिछले साल हुए सर्वे में 8,441 मदरसे मिले थे अवैध, मदरसा बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद कार्रवाई की तैयारी। 2000 के नोट बदलने को लेकर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, लोग नोट बदलने में ना करें अफरा तफरी, 50,000 से ज्यादा पर देनी होगी जानकारी, 30 सितंबर तक 2000 के नोट से कर सकते हैं खरीदारी। कानपुर में सलून की दुकान और ट्रेवल्स एजेंसी में लगी भीषण आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक, स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। मथुरा में आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने से भूसा और अनाज जलकर हुआ खाक, थाना महावन क्षेत्र के गांव मुबारकपुर का मामला। देवरिया में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, थाना भाट पार रानी के बहियारी बघेल के पास हुआ हादसा। बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 2 ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, 3 की हालत नाजुक, कानपुर रेफर, बारात से लौटते वक्त हुआ हादसा, दौसा थाना क्षेत्र के बतौसा गांव की घटना। बलिया के मालदेपुर घाट पर नाव पलटने से हादसा, 3 लोगों की डूबने से मौत, बाकी सभी लोगों को नदी से बाहर निकाला गया, करीब 40 लोग नाव पर सवार होकर मुंडन संस्कार करने गए। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। कानपुर में अनियंत्रित लोडर खड्डे में गिरा, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग घायल, युवक बच्चों को बैठाकर सिखा रहा था लोडर चलाना और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल, चंदनपुर गांव की घटना। टिहरी में चंबा कोटी कॉलोनी मोटर मार्ग पर हादसा हुआ, 2 कारों की टक्कर में एक महिला की मौत, शिक्षिका बताई जा रही है मृतक महिला। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में लगी आग और सहारनपुर में भी बिजली स्टोर में लगी भयंकर आग, करोड़ों रुपए के बिजली उपकरण जलकर हुए खाक, पहले भी स्टोर में लग चुकी है आग।
आगरा में नंद प्लाजा के जिम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। भीषण आग से लाखों रुपए के नुकसान की संभावना। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगर निगम अधिकारियों के साथ पुलिस बल रहा मौजूद। नक्शास और टूरियागंज इलाके में चल रहा था बुलडोजर। लखनऊ में नाबालिग कराया गर्भपात। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। गोसाईगंज थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में पहली पत्नी की हत्या करके दूसरी पत्नी के संग फरार हुआ पति। हत्या करके शव को रोशनदान पर लटकाकर पति हुआ फरार। मृतक आयशा की मां की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कासगंज जनपद में प्रेमी युगल की लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटियाली कोतवाली क्षेत्र की नगला का मामला। महोबा में पुराने मामले में राजीनामा के लिए 5 लोगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के पठानपुरा इलाके की घटना। बुलंदशहर में जिला न्यायालय के बाहर युवक को मारी गोली। कोर्ट में तारीख पर आया था युवक और सरेआम गोलीकांड से मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ में अदालत से निकलते समय दो हमलावरों ने कैदी की चाकू से हत्या कर दी। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। प्रतापगढ़ में रास्ते के विवाद में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। अंतु थाने के सेतापुर बहारगंज की वारदात। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में सनसनी। सुल्तानपुर में साइकिल सवार युवक की हत्या से मचा हड़कंप। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जल्द घटना के खुलासे का किया दावा। बरेली में एबीपी गंगा की खबर का असर। छात्रा से छेड़खानी करने और तेजाब डालने की धमकी देने वाले आरोपी की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एबीपी गंगा पर खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस। रुड़की में महिला पर धारदार हथियार के साथ हमला। महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पीरान कलियर थाना क्षेत्र का मामला। मेरठ में इंसाफ के लिए घायल भाई को ठेले पर लेकर भटक रहा है शख्स। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप। कबूतरबाजी के मामले में दबंगों ने किया था हमला। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की वारदात। कुशीनगर में पूर्व प्रधान की तलवार से काटकर निर्मम हत्या। शादी समारोह से घर जा रहे थे पूर्व प्रधान। खोठी गाँव के करबला के पास की वारदात। पुलिस हथियारों की तलाश में जुटी। कुशीनगर में पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या से ग्रामीण आक्रोशित। ग्रामीणों ने केरवानिया टोले के पास कप्तानगंज नौरंगिया मार्ग को किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गोंडा में गांव के युवक ने एक शख्स को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। गंभीर रूप से झुलसा युवक जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने आरोपी को जल्द पकड़ने का किया दावा। कई टीमों का किया गठन। और थाना धानीपुर क्षेत्र के लोनियन पूर्वा गांव का की वारदात। आगरा में सीओडी की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल। कॉलर में लगी थी डिवाइस। होटल से कोच बता रहा था आंसर। अभ्यर्थी और कोच को आर्मी इंटेलिजेंस ने पकड़ा। रामपुर में चोरी और रेप की वारदात को संदिग्ध मानकर जांच की कर रही है पुलिस। और एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। पीड़ित शख्स से की पूछताछ। हरिद्वार में शराब माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी में आबकारी विभाग। 3 से ज्यादा बार पकड़े जाने पर शराब तस्करी नहीं छोड़ने वालों पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी। रामनगर सिंचाई विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से रजिस्टर्स के बनाए गेट और भवन को किया ध्वस्त। अतिक्रमण को लेकर कई विभाग ने चलाए थे अभियान। देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं को सतर्क रहने को कहा। साथ ही साथ बर्फबारी का भी अनुमान जताया। अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेवर देर तल्ख किया और अतिक्रमण हटाने के लिए सीएम ने अधिकारियों को दिए तेजी से लाने के निर्देश। उप जिलाधिकारी ने नेतृत्व में बनाई गई है टास्क फोर्स। नैनीताल दौरे पर केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट। 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। कहा मोदी सरकार में हो रहा है चौतरफा विकास। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में सर्वदलीय नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस। करण महारा बोले लैंड जिहाद के अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई बेरोजगारी विकास कानून व्यवस्था पर सरकार का फोकस नहीं। कर्णप्रयाग में पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। दो पक्षों में आपसी मारपीट के चलते हुई थी महिला की मौत। थाना धराली का मामला।
देहरादून में पूर्व पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती ने अपने पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। महिला ने दहेज मांगने का लगाया आरोप। देहरादून नगर निगम के बाहर सफाई कर्मचारियों का धरना, कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी दे रहे हैं धरना। नगर आयुक्त पर शोषण करने का भी आरोप। बॉडी में फिर से मवेशियों में बढ़ने लगी है लंपी वायरस के केस। अब तक 85 नए मामले लंपी वायरस के सामने आए और पशु चिकित्सकों की टीम टीकाकरण में लगी हुई है। ऋषिकेश में रिहायशी इलाकों में हाथियों के दहशत, खेतों में फसल खराब होने से ग्रामीण परेशान। वन विभाग हाथियों की रिहायशी इलाकों में एंट्री रोकने में जुटा। सोनप्रयाग में खुल गया बाजार, बाजार में उमड़ रही है यात्रियों की भीड़। व्यापारियों ने कल किया था बाजार बंद। सोनप्रयाग पार्किंग में लगाए जा रहे हैं लंगर, तो को खत्म करने की कर रहे थे मांग। पापुआ न्यू गिनी के पीएम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने पर बोले सांसद साक्षी महाराज, कहा इससे बड़ा सम्मान भारत के लिए कुछ और नहीं, ये मोदी जी के चरण नहीं, ये भारत माता के चरण। उन्नाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनी स्टेडियम का हुआ लोकार्पण, सौंदर्यीकरण कार्य और पार्क निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। सांसद साक्षी महाराज, सदर विधायक पंकज गुप्ता और डीएम की मौजूदगी में हुआ लोकार्पण। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। झांसी में लखनऊ फूड फेस्टिवल की मची धूम, वेज और नॉन वेज जायके के शौकीन कर रहे फूड फेस्टिवल में शिरकत, और लखनऊ की बिरयानी लोगों का काफी पसंद आ रही है। सहारनपुर में खुदाई में मिले चांदी के मुगल कालीन सिक्के, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपे चांदी के सिक्के, भारी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर जमा। कानपुर का इकलौता यतीम खाना किया गया बंद, और जेजे एक्ट में नहीं किया गया था यतीम खाना का रजिस्ट्रेशन। यतीम खाने में 18 नाबालिग लड़कियां और 10 लड़के रहते हैं। अलीगढ़ में एएमयू टीचर्स एसोसिएशन के कल होने वाले चुनाव में एएमयू प्रशासन ने अवैध घोषित किया। दूसरी तरफ मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक नोटिस जारी करके कल चुनाव कराने का ऐलान किया। हमीरपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने भुगतान को लेकर सीएमओ कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। कहा 5 दिन पहले भी सीएमओ को ज्ञापन दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बहराइच में नदी किनारे किसान पर मगरमच्छ ने किया हमला, मगरमच्छ के हमले से किसान की मौत। ग्रामीणों ने किसान के शव को नदी से बाहर निकाला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में सैकड़ों साल पुरानी जामा मस्जिद पर पुरातत्व विभाग का शिलापट लगाने की उठी मांग। सोशल वर्कर अधिवक्ता ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद को संरक्षित करने की मांग की। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट का स्थायी कार्यालय बनकर तैयार, कार्यालय के उद्घाटन के लिए रखा गया पूजा पाठ। पूजा पाठ में ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा, दिनेंद्र दास और सभी साधु संत शामिल। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सीबीएसई बोर्ड की टॉपर छात्रा को बनाया एक दिन की विधायक। सुनैना ने विधायक के तौर पर जनता की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपी में पारा चढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ी, करीब 25,000 मेगावाट से ज्यादा हुई खपत, ग्रामीण इलाकों में करीब 30 मिनट की कटौती। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए ड्यूटी पर रहेंगे कर्मचारी, 24 घंटे बिजली आपूर्ति का व्यवस्था करेंगे और बैठक में दिशा निर्देश जारी करेंगे। कानपुर में एक दिन में बैंक में जमा हुए 10 करोड़ के 2,000 के नोट, और एक शाखा में ग्राहक ने ही अकेले 1,50,00,000 के 2,000 के नोट जमा कराए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को वापस लौटा। पिछले साल की तुलना में एक महीने में चारधाम यात्रा में इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या 97,000 कम हुई है। इस बार एक महीने में 12.35 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, जबकि पिछले साल चारधाम में 13.32 लाख श्रद्धालु ने किए थे दर्शन। बरेली में माफिया अशरफ के साले सद्दाम का एक और वीडियो आया सामने, सद्दाम के बर्थडे पार्टी में शामिल होने का वीडियो वायरल। सद्दाम बरेली के दो थानों से चल रहा था वांछित। श्रावस्ती में नशे में धुत बाइक सवार ने 4 लोगों को रौंदा, हादसे के वक्त सभी लोग अपने घरों के बाहर सो रहे थे। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया। थाना हरदत्त नगर गिरंट के कस्बा नसीरगंज का मामला।
ललितपुर में एक युवक ने ब्लेड से शरीर को कई जगह से काटा, ब्लेड से कई जगह कट लगाकर किया आत्महत्या का प्रयास, सुसाइड नोट लिखा, वायरल किया अपना दर्द, सदर कोतवाली क्षेत्र खिरकापुरा का मामला। फतेहपुर में अचानक घर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, आग लगने से घर में रखी गृहस्थी जलकर हुई खाक, गाजीपुर थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गाँव का मामला। बाराबंकी के युवक की सऊदी अरब में मौत, 4.5 महीने से शव का इंतजार कर रही थी बूढ़ी मां, मोदी सरकार ने वापस मंगवाया युवक का शव, तहसील हैदरगढ़ के ग्राम दुर्गापुरवा मजरे बेहटा का मामला। अलीगढ़ में देहात दहेज की मांग ना पूरी करने पर दूल्हे पक्ष ने शादी से किया इनकार, दुल्हन पक्ष के लोगों ने हाथों थाने में दी तहरीर, पुलिस दूल्हा पक्ष पर दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, थाना चंदौसा क्षेत्र का मामला। गोंडा में सांसद ब्रिजभूषण के निजी सचिव का बड़ा बयान सामने आया, निजी सचिव संजीव सिंह ने मीडिया से मुखातिब होकर बड़ा बयान दिया, कहा नाको टेस्ट के लिए सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह तैयार। कानपुर का इकलौता यतीम खाना किया गया बंद, जीजे एक्ट में नहीं किया गया था यतीम खाने का रजिस्ट्रेशन, यतीम खाने में 18 नाबालिग लड़कियां और 10 लड़के मौजूद। सोनभद्र में एनजीटी ने सोन नदी में संचालित बालू खनन पर रोक लगाई, यूपी एमपी बिहार में सोन नदी में बालू खनन पर रोक, सोन घड़ियाल कॉरिडोर को वन्य जीव अभ्यारण बनाने के चलते रोक लगाई। G20 में हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर के पुराने शहर की यात्रा करेंगे और 24 मई को यहां के पर्यटन स्थल घूमेंगे। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का कल होगा 1 महीना पूरा, 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के एक्शन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं पहलवान। जयपुर में सरकारी तिजोरी में रिश्वत की रकम रखने के आरोपी अफसर को किया गया सस्पेंड, DOIT के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश की तिजोरी से मिले थे 2,31,00,000 रुपए कैश और 1 किलो सोना। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।